मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएसपी श्रीनगर श्री राकेश बलवाल ने ये स्टेप लिया, एक अहम स्टेप लिया जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। श्रीनगर में ये लेडी पुलिस का एक स्क्वाड, एक दस्ता है जो पेट्रोलिंग दस्ता है और डेडिकेटेड है लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए। आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बच्चियाँ, अब चीज़ें ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रही हैं, तो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ खुल रहे हैं और बहुत दिनों से शिकायत रहती है। जब मैं एसपी साउथ था उस दौरान से लेके अभी आज मैं डीआईजी आया हूँ, तो उसके बाद भी लोग बताते हैं कि हमारी बच्चियों को स्कूल टाइम में, जाने के टाइम में, आने के टाइम में लड़के छेड़ते हैं। और श्रीनगर में भी कुछ ऐसी वारदातें हो गई है, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट अटैक और वो गर्ल पे एक अटैक की बात आई थी। उसके मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने, और ये राकेश की एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसने इसको अमली जामा पहनाया कि अब हमारी बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो महफूज हैं, और ये जो लेडी का जो दस्ता है ये पुलिस का डोमिनेंस और ख़ासकर डेडिकेटेड टू लेडीज़ ये ग्राउंड पे वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो बधाई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसका। शॉपिंग मॉल से यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने मॉडस ऑपरेंडी इसका तय किया है, इनिशियली कोचिंग हब है, आपने देखा होगा शाम के टाइम आप तो जाते होंगे सदर इलाके में, कोचिंग हब में जब एक साथ उनकी क्लासेस ऑफ होती हैं तो उस समय वहाँ से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है। तो हम लोग एक सर्वे करवा रहे हैं कि जिस कोचिंग हब और जिस सेंटर के पास से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है और वो जो टाइम जोन है, जिस टाइम जोन में वारदातें हो रही हैं, उन जगहों पे इनकी तैनाती होगी और दे विल बी सपोर्टेड बाय आवर पीसीआर्स के जो हमारे दूसरे 100 डायल वैन जो हमारे व्हीकल्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक डेडिकेटेड लेडी दस्ता होगा और सपोर्टेड बाय अदर पीसीआर वैन्स जो हमारे चल रहे हैं। सर आगे लेडीज के लिए मददगार हेल्पलाइन आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है, 108 पे भी काम हो रहा है और इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो हमने गाये बगाये हमेशा हर बार मैं उसको ये डलवाता हूँ सोशल मीडिया पे। हमारा पीसीआर का नंबर भी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं और जो नज़दीकी हमारे आसपास कोई भी तैनाती लोग हैं तो उस वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कंप्लेंट करने के लिए नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि कभी कभी हमारी बच्चियाँ इससे झिझक जाती हैं, नहीं कंप्लेंट करती हैं या उनको दबाव में नहीं करवाती।